Hello friends, I am Rashmi Patel. Today we are learning English tenses. So, our agar na lecture ma, vartaman kaal aur aaj apna jaise bhut kaal. English aur pehle bhut kaal jaise saalo bhut kaal. In our English ma kaise simple past tense. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने व्याख्या जो है व्याख्या हमने कैसे व्याख्या कैसे तो इन्हें डेफिनेशन सुना है कोई पण क्रिया भूतकाल में एक मिनट पहला के एक वर्ष पहला बनी हुई तो इन दर्शावा में आपका क्या काम यूज करे तो साड़ा भूतकाल कोई पण क्रिया भूतकाल एक मिनट पहला के एक वर्ष पहला बनी हुआ ये दर्शा हुआ माटे साड़ा भूतकाल क्रिया के लिए
पूरी थई गई और लक्ष्य माने अपन वर्ब को यूज करसु राइट कोई वर्ब यूज करसु राइट तो अपने इन अंदर फाइंड करेंगे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब तो इन अंदर मे सो जे सब्जेक्ट इन अपने कैसे करता पत्र सो जे कर्म इन अपने इसको कहेंगे ऑब्जेक्ट तो लक्ष्य सो जे वर्ब इन अपने कैसे क्रिया तो इंग्लिश में वाक्य रचना वापस सुनो जी स्ट्रक्चर हो जी तो कर्ता वर्ता क्रियापद वर्ता कर्म तो आ फिर गुजराती वाक्य रचना सुनो जी कर्ता कर्म प्लस क्रियापद तो आपने ये मेरे समय सूचक शब्द पण यूज कर सके जी एक अन्य शब्द भी है इसके थोड़ा समय दर्शक शब्द ओपनर में कैसे भी तो आप वाक्य में आपने लिखे हो मैं गई काले पत्र लक्ष्य अपन क्रिया की व्यक्ति पूरी नहीं गई तो आपने यह समय सूचक शब्द दर्शाने के लिए आपको लिखी आपने जो ये था तो घटा घटा ना स्थान पर मैं सोचे मैं नून के मैं आपने स्विच कर सु आई आई अब आपने सुनो वन जी क्रिया पर सुनो वन जी क्रिया पर क्रिया पर सुनो आप राइट लक्ष्य लक्ष्य ले राइट लक्ष्य ले राइट है से तो आपने तो लक्ष्य हो जाए तो राइट को सेकंड फॉर्म सुन रहे से रॉट तो फर्स्ट फॉर्म राइट सेकंड फॉर्म रॉट अने लोग बिल्कुल नहीं सुन रहे से रिटर्न तो आपने सेकंड फॉर्म यूज करो जाए क्रिया पर क्यों फॉर्म हो से सेकंड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म से रॉट सुन लक्ष्य हो जाए पत्र कितना पत्र लक्ष्य है ए तो वन नु शॉर्ट फॉर्म सो से अपना आर्टिकल यूज करिए अ लेटर तो सुन लियो आई वांट अ लेटर वो अपने आप पत्र में आ सेंटेंस में अपना समय दर्शक शब्द उम्मीद हो कयो गई काले तो आप ऐसे लिख सके और समय दर्शक शब्द यहां छे तो आई वांट अ लेटर यस्टरडे डायरी के पर अपना समय सूचक शब्द दर्शाई सके तो आप आया फ्रेंड्स पूरा डाइए साथे में एक सेंटेंस भेजो ये कहो ये इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस लेके प्रश्नार्थ भागे प्रश्नार्थ भागे आपने इंग्लिश में सुने से कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस अथवा पोस्टल सेंटेंस तो एनी वाक्य रचना सुनो ये ओके सेंटेंस फॉर्मेट तो प्रश्नार्थ करना हमारे आपने सामने यूज करी थी डीड तो प्रश्नार्थ बना पर आपने सामने इसके लिए डीड तो डीड ये हेल्पिंग वर्ब छे तो कोई पण क्वेश्चन बना पर आपने हेल्पिंग वर्ब लिखा लगी हां बट सब्जेक्ट नहीं हां बट वाक्य सर समझ जैसे हेल्पिंग वर्ब लेके डीड की जरूरत है डीड डीड पर सीधा होसे करता तो ये सब्जेक्ट है करता प्लस क्रिया क्रिया प्लस कर्म प्लस अन्य शब्द प्लस क्वेश्चन तो यह क्रियापद को अपने एक बार सेकंड फॉर्म यूज कर लीजिए सेंटेंस में अंदर क्रियापद को एक बार सेकंड फॉर्म यूज कर लीजिए तो बीजी बार क्रियापद को क्यों फॉर्म होता है टू विनानु रूप टू विनानु पहन रूप क्रियापद को फर्स्ट फॉर्म होता है जिन्हें आपने सुबह बैर इन्फिनिटिव के क्रियापद को क्यों होता है बैर इन्फिनिटिव उसे अरे गुजराती में जैसे टू विनानु रूप तो ये आज आपके नाम पे सुनिए कटा करने का भाई ही ले ले ही अरे डी डी ही राइट रॉक टू फर्स्ट फॉर्म राइट क्यों ही है सॉस रॉट रॉट में अपने फर्स्ट फॉर्म करो वो है सुन रहे डी प्लस राइट तो आप अलग अलग कह सके रॉट डी राइट कहीं अपन चाहिए डी लक्ष्य जो लाभ है यहाँ पर क्यों लक्ष्य फॉर्म तुम ही नानो फर्स्ट फॉर्म डी ही राइट सुन लगे जी कोई ट्राई ले अ लेटर यस्टरडे क्वेश्चन मार्क सुन कहने गए काले पत्र लक्ष्य हो सही बात है नेक्स्ट पीज वे जो ये इन सेंटेंस के जो नेगेटिव सेंटेंस सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस सेंटेंस फॉर्म में
સમજે તો નકાર વાક્ય બનાવવા માટે કેવું નકાર વાક્ય નકાર એટલે કે નેગેટિવ નકાર બનાવવા માટે પણ આપણે સંયોજ કરી છે ડી નો એટલે નકાર બનાવવા માટે આપણે શું યુઝ કરીશું નોટ તો ડી સાથે આપણે શું યુઝ કરવું પડે નોટ નકાર બનાવવા માટે આપણે ડી છે સમજે સબ્જેક્ટ કરતા પ્લસ ડી નોટ શું યુઝ કરીશું ડી નોટ પ્લસ ક્રિયા અહીંયા પણ ક્રિયા પદ કેવું ફૂટરૂપ આવશે ફર્સ્ટ ફોર્મ શા માટે આપણે એકવાર ડી યુઝ કરી લીધું એકવાર ડી યુઝ કરીએ એટલે ક્રિયા પદ ફૂટરૂપ આવશે ફર્સ્ટ ફોર્મ પ્લસ કર્મ પ્લસ અન્ય શબ્દ જે આપણે સમયસૂચક શબ્દ કહીએ છીએ કટા ટ્રિક આપણે શું લીધું છે હી હી યુઝ કરી કરો અને પછી શું આવશે કોમેન્ટ ની સાથે ડી નોટ ही डिड नॉट ने क्रिया पद यूज करी थी राइट डिड नॉट राइट कर्म टाइप के लेटर अ लेटर यस्टरडे हे यू ही डिड नॉट राइट अ लेटर यस्टरडे तो एक शॉर्ट फॉर्म है शॉर्ट फॉर्म सोचे डिड नॉट थैंक यू।